एक जुलाई से 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून भारतीय दंड संहिता जो 1860 का कानून है, अब वो पूरी तरह बदलने वाला है। अब वो भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता जो था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा, और इविडेंस एक्ट है जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाएगा। और सरकार की ये धारणा है कि आज़ादी के 75 साल के बाद कि भारत जब आज़ाद हो गया है तो हमारा कानून अंग्रेजों का क्यों, हमारा खुद का कानून होना चाहिए। इसलिए इन तीनों कानून में एक बड़े बदलाव किए गए हैं और हमारे लिए बड़ी चुनौती है। न्यायपालिका में न्यायालय है, वकील है, पुलिस है, चूँकि नए कानून आ रहे हैं, नई धाराएं हैं और पूरा बदल जाएगा। जिसको हम 420 कहते थे कभी, वो अब 318 हो जाएगा। हत्या में जब जो 302 की जो परिभाषा जो दी जाती थी, अब वो 101 में दी जाएगी। जो छेड़खानी की जो धारा थी 354 में, वो 74 में आ गई। रेप की जो धारा थी वो 376 में 63 में आ गई। कुछ नए धाराओं को जोड़ा गया, जैसा कि झपट मारी जो चैन स्केचिंग वगैरह होता है, वो कभी नहीं होता था। पुलिस कंफ्यूज होती थी कि भैया इसमें हम किस में बनाए, तो एक झपट मारी 304 भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया। तो कुल मिला के एक कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रयास रहा कि जो पुराने कानून थे उसको बदला जाए, व्यवस्थित किया जाए और एक अच्छा कानून देश के सामने किया जाए। और इसमें कुछ टाइम लिमिट भी किया गया है, जैसे कि ट्रायल जो है बहुत लंबा चलता था, अब इसको कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में 3 साल मैक्सिमम कर दिया कि 3 साल में आपको विचारण खत्म करना पड़ेगा। पहले दंड की बात होती थी, अब न्याय की बात होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि भले ही हम लोगों के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये जो कानून है भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इन 3 नए कानूनों से सामाजिक क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होंगे? देखिए, हमेशा कानून बनते रहते हैं, अपराध वैसे के वैसा रहता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें कुछ सामाजिक रिफॉर्मेशन की प्रयास की गई, जैसे कि हम हमेशा दंड के रूप में सजा देते हैं या जुर्माना देते हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रही है कि कुछ सामाजिक दायित्व दिया जाएगा कि भैया आपको इतना जो है वृक्षारोपण करना पड़ेगा या आपको ये समाज सेवा में ये काम करना पड़ेगा। तो एक बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया गया, जिसका स्वागत करते हैं। कुछ लोग इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, सबकी अपनी विचारधाराएं होती है और कुछ लोगों का ये आपत्ति भी है कि धारा 172 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है, पुलिस को उसमें बहुत सख्तियाँ दे दी गई है। तो लोगों को ये डर है कि कहीं जो आम नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों का हनन मत हो जाए। जो भारत के संविधान में जो हमें गरिमामय जीवन जीने का, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन ना हो, कहीं पुलिस उसका मिसयूज ना करे। तो हर एक किसी की अपनी अपनी धारणाएँ हैं। चूँकि हम लोग एडवोकेट हैं तो हम तो हर तरीके से उसको देखते हैं। और अभी तक जो था, कहीं ना कहीं दंड की बात हो रही थी या अपराधियों की बात होती थी कि उसको सजा कैसे मिलेगा, लेकिन न्याय की अवधारणा नहीं थी। तो ये आने वाले समय में जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, वैसे वैसे किस प्रकार से इसमें रिजल्ट आएगा और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के संविधान का जो है वो इंटरप्रिटेशन करती है, वो भी उसमें अपनी टिप्पणियाँ करेगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि इसका कितना फ़ायदा जो है देश की जनता को मिलेगा। निश्चित तौर से बहुत अच्छे कानून आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग इसमें पढ़ते थे कि भारतीय दंड संहिता, अब वो दंड की बात नहीं होगी, अब न्याय की बात होगी, लोगों को न्याय ऐसा लग मिलेगा। और रही बात कानून की, बहुत अच्छे कानून ये आने जा रहे हैं। कुछ पुराने जो है लॉ में जो नाम उनको में बदलाव किया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, धाराओं में जरूर बदलाव किया गया है, लेकिन अपराध जैसे हम लोग कहते हैं कि 302 है वो अब 101 हो गए हैं, धारा उसमें जोड़ दिए गए हैं और कुछ नए धाराएं भी जोड़ी गई हैं और कुछ जो धाराएं पहले थी उसको घटाकर धारा को कम भी किया गया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि निश्चित तौर से ये बहुत अच्छा कानून है, इसमें आम जनमानस को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।